जदयू के खास प्रवक्ता नीरज कुमार ने बाहुबली नेता आनंद सिंह पर सीधा निशाना साधा है। निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि वे गलत लोगों के बीच घिर गए हैं, अगर वे गलत लोगों के साथ रहेंगे तो उनका हश्र भी बुरा होगा। सुनिए आगे उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। सजा याफ्ता जो दुष्कर्म का आरोपी है वो ऐसे लोगों का भी गुणगान कर रहे हैं, वो हार जाएगा। अरे हार, इस बार तो आपको जो हाल होने वाला है ना, हार हाल में अंतर समझ में आता है ना, वह दुर्दशा होगी जो दुर्दशा सपना में नहीं सोचे होंगे। और जब मोकामा की बहुत चुनाव लड़ रही थी 2014 में, चुवान में जहर चढ़ गया था, आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे माँ बहन के बारे में, और आज कैसा लग रहा है, आज तबीयत खराब है कि अच्छा है? ये हैट और चश्मा जो है वो हैट और चश्मा पर लालटेन लालू का पोसुआ बनकर के रख लिए हैं, तो लालटेन में छेद होगा ना तो किरासन तेल गिरेगा, और जब किरासन तेल गिरता है तो बहुत पीड़ा होती है, और पीड़ा का एहसास है ना, आने वाला जो आपका राजनीतिक आफत है उसका मूल्यांकन कर लीजिएगा। और कभी भी मोकामा के स्वाभिमान के साथ जो आपने खिलवाड़ किया है कि मोकामा का बेटा चुनाव लड़ रहा हो, राजनीतिक मतभेद आपका हो सकता है, लेकिन एक दुष्कर्म के सजा याफ्ता के परिवार के पक्ष में प्रचार करना या आपके लिए राजनीति में 2019 के लोकसभा चुनाव में राजनीतिक जहर साबित होगा। और ये जहर ऐसा है कि कोई दवा नहीं है, शहाबुद्दीन से दवा करा लीजिए, पप्पू खान से दवा करा लीजिए, किसी से दवा कराइएगा, इसका कोई दवा नहीं है। दवा यही मिलने वाला है, इस बार मोकामा नगर पालिका में कम से कम पोलिंग एजेंट खोज लीजिएगा, नहीं तो जो साथे घूम रहा है ना वो भी कभी भी आपको 33,000 करंट का झटका दे सकता है। तो देखा आपने किस तरह से जदयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि अनंत सिंह दुष्कर्म जैसे आरोपों से घिरे लोगों का साथ दे रहे हैं, अगर वो इस तरह से करते रहें तो निश्चित ही तौर पर हारेंगे। कैमरा पर्सन राजतिलक के साथ मैं अंशु, हेडलाइंस बिहार।